हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज की अपकमिंग बाइक पल्सर 250F के बारे में, जिसका लॉन्च होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, बिकॉज रिसेंटली इस बाइक को टेस्टिंग के टाइम इंडियन रोड्स पे स्पॉट किया गया है और बजाज पल्सर 250 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज पल्सर 250F के बारे में, जिसकी प्राइस, फीचर्स, लॉन्च डेट, इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको बजाज की अपकमिंग बाइक पल्सर 250F के बारे में कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो पल्सर 250 का लॉन्च ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, जिसको रिसेंटली ही इंडियन रोड्स पे स्पॉट किया गया है। बजाज की तरफ से पल्सर 250F एक हाफ फेयरिंग स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होगी, बट बजाज ऐसा भी कर सकता है कि वो पल्सर 220F को डिसकंटिन्यू करके पल्सर 250F को लॉन्च करेगा, और साथ ही बजाज ऐसा भी कर सकता है कि पल्सर 220F को डिसकंटिन्यू ना करके वो पल्सर 250 को लॉन्च करे, बिकॉज इंडियन रोड्स में बजाज की पल्सर सीरीज काफी ज्यादा पसंद की जाती है। सो जो बाइक टेस्टिंग के टाइम स्पॉट हुई है, अगर उसके डिटेल्स के बारे में बात करें तो उसके टेल सेक्शन और साइड प्रोफाइल ही रिवील हुआ है। इस बाइक का फ्रंट सेक्शन अभी तक रिवील नहीं हुआ है, और रिसेंटली बजाज की पल्सर 250 नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक को भी स्पॉट किया गया था। सो पल्सर 250F के अंदर भी वही सेम 250cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टर BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन होगी। इस बाइक में 6 स्पीड ट्रांसमिशन और लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस बाइक की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। बट 250cc एयर कूल्ड के अकॉर्डिंग इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट रहने वाली है, और साथ ही इस बाइक के सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की जो माइलेज है वो भी काफी ज्यादा डिसेंट रहेगी। गाइज, इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 250cc एयर कूल्ड इंजन यामा FZ25 में है, और उस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग उस बाइक की जो माइलेज है वो काफी ज्यादा अच्छी है। सो बजाज भी अब 250cc सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए पल्सर 250F और पल्सर 250 को लॉन्च करेगी। पल्सर 250F में हाफ फेयरिंग देखने को मिलेगी, और इस बाइक का टेल सेक्शन काफी हद तक पल्सर सीरीज से इंस्पायर्ड होगा। और गाइज, इस बाइक में सबसे खास बात ये होगी कि बजाज की बाइक्स में सिर्फ NS और RS में ही रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन होता है, बट अब इस बाइक में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इस बाइक की फ्रंट फेयरिंग और साइड फेयरिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं होने वाली है, और इस बाइक में फेयरिंग माउंटेड मिरर्स देखने को मिलेंगे। बाकी सस्पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रंट में कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स होंगे, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होंगे, और इस बाइक में आपको रियर टायर हगर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक होंगे फ्रंट और रियर में, और 250cc सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक में डुअल चैनल ABS डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट बजाज की बाइक्स में सुपर वाइड टाइप ट्यूबलेस टायर्स नहीं होते हैं। सो इस बाइक में भी आपको बहुत ज्यादा वाइड टायर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस बाइक में आपको कंफर्टेबल अपराइडिंग राइडिंग पोस्चर मिलेगा, जो कि आपको RS 200 और बजाज 220F में देखने को मिलता है, और इस बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से बाइक की जो राइडिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगी। अब बात करते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स होंगी, LED इंडिकेटर्स होंगे और LED डायल्स होंगे, और साथ ही आपको रियर में LED टेल लाइट्स होंगी। बट इस बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल सकता है, या फिर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है। बजाज ने अभी तक अपने इलेक्ट्रिकल फीचर्स को अपग्रेड नहीं किया है। सो अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस और लॉन्च के बारे में, तो इस बाइक की एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस होगी 1,50,000, और लॉन्च की बात करें तो बजाज पल्सर 250F अक्टूबर नवंबर के आसपास इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी। ये बाइक यामा FZ25 और सुजुकी जिक्सर 250 के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी, बिकॉज ना तो ये बाइक टिपिकल नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक होगी और ना ही ये बाइक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होगी, बिकॉज पल्सर 250F एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर वाली हाफ फेयरिंग मशीन होने वाली है, जो 2021 के एंड तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी। सो ये थी सारी डिटेल्स बजाज की अपकमिंग बाइक पल्सर 250F के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।